और अगली खबर ग्वालियर से, जहां बड़वाह विधानसभा से कांग्रेस के विधायक सचिन बिड़ला के कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने के बाद, और भी अगर बात करें कांग्रेस विधायकों की, तो बीजेपी में जाने के जो कयास है उसकी लहर अब मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में हो रही है। इसको लेकर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस पार्टी पर, उसके वरिष्ठ नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है जिसमें सीईओ होता है, सीईओ जिससे खुश होता है, पार्टी की कुर्सी पार्टी उसी की सुनती है, और प्रदेश में पार्टी के सीईओ कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता और बड़े नेताओं का कोई पूछ नहीं रहा है, और यही वजह है कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस तीखे प्रहार कर रही है, नजर आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि ऊर्जा मंत्री का बयान देना सिर्फ और सिर्फ टाइम पास मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं का, नेताओं का वहां सम्मान नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसी की सुनी जाती है जिससे सीईओ संतुष्ट होता है। इसलिए आप देख रहे हो कि दिन पर दिन कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, और ये क्यों स्थिति है इसके लिए नेतृत्व जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को सम्मान है। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि जो ऊर्जा माननीय ऊर्जा मंत्री हैं, इनकी किसी बात का जवाब देना सिर्फ और सिर्फ टाइम पास मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं है। ऊर्जा मंत्री की जगह इनको, मेरा तो निवेदन है शिवराज सिंह जी से, हास्य से विनोद मंत्रालय दे दें। ये बहुत अच्छा टाइम पास करते हैं लोगों का, और टीवी पर छाए रहने की इनको बीमारी है, तो इनको संजीदा लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस से निकले हुए हैं, आज जो कुछ भी हैं बीज इनमें कांग्रेस का ही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, यदि फल फूल रहे हैं, तंदुरुस्त हो रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, तो वो सिर्फ कांग्रेस से निकलने के कारण।